अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की रूटीन में मैं आप लोगों को सिटी मुल्तान का औलिया कराम का विज़िट करवा रहा हूँ, तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को वीडियो में। तो ये देखें, जो सामने आप लोगों को दरबार नज़र आ रहा है, ये है बहाउद्दीन ज़िक्रिया शाह, हज़रत शाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है वीडियो में। और देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है इसका। तो नाजरीन, अब मैं आप लोगों को आगे की तरह दिखाने वाला हूँ। और भी ये देखें नाजरीन, मैं आज की रूटीन में आप लोगों को औलिया का शहर दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं खुद विज़िट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि ये सामने जो दरबार है बहाउद्दीन ज़िक्रिया का, ये देखें बहुत बड़ा दरबार है, बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, अंदर से भी बाहर से भी। तो इसके सामने ये देखें, ये पार्क का माहौल आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर पार्क है और उस तरफ भी पार्क है, बहुत खूबसूरत है इधर का मज़ार। तो यहाँ का व्यू भी देखें, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है दरबार का, दरबार का। और ये पार्क है, इस तरफ भी रोड के पार्क है और उस तरफ भी पार्क है। तो ये देखें, मैं आप लोगों को करीब से ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। नाजरीन, मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। ये देखें नाज़रीन, मैं आप लोगों को करीब से दरबार का अंदरूनी मंज़ारा जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हज़रत शाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार और इसका मैं आप लोगों को, ये देखें नाज़रीन, मैं आप लोगों को दरबार का व्यू अंदर से दिखा रहा हूँ। तो देखें कितना बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है हज़रत शाह। नाजरीन, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दरबार के अंदर ये साज और ढोल।
नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को ओलिया का शहर मुल्तान दिखा रहा हूँ। तो अब मैं पहले मैं बाहर से आप लोगों को वीडियोस में दिखा रहा हूँ रहा था, तो अब मैं अंदर से होके आया हूँ। अभी अभी सलाम करके, ज़ियारत करके, जो भी है मैंने मांगा है दुआ अपने लिए और आप सबके लिए। तो मैं अंदर से मांग कर, तो अब मैं बाहर की तरफ आकर खड़ा हूँ। तो मैं आप लोगों को करीब से दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये बहुत बड़े हमारे मुल्तान सिटी के ये बहुत बड़े औलिया कराम हैं। इनका नाम है हज़रत शाह बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार के ऊपर मैं खड़ा हूँ और आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। और मैंने खुद भी यहाँ पर अंदर गया हूँ, सलाम करके, ज़ियारत करके आया हूँ। और आप लोगों से भी मैंने आप लोगों के लिए भी व्यूअर्स बहुत दुआ की है कि जितने भी हमारे भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, सब के लिए मैंने यहाँ से दो बहुत दुआ मांगी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये देखूँ वीडियो में करीब से दिखा रहा हूँ कि ये हम दरबार के बिल्कुल अंदर की तरफ खड़े हैं। तो मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है सजाद, वो जो मेरे साथ आया हुआ है और अक्सर जो मेरे साथ आता है, और इस टाइम वो मेरी वीडियोज़ बना रहा है और मैं आप लोगों को कमेंट में बता रहा हूँ कि ये देखें। हम अब नाज़रीन, अब हम आगे सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ का भी व्यूज़ मैं आप लोगों को जाकर दिखाऊंगा। और बाहर हम पार्क में जाएंगे, पार्क का व्यू भी मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। और नाज़रीन ये देखें, मैं यही आप लोगों से, मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये देखें नाज़रीन, अब मैं पहले मैं उस तरफ खड़ा था, तो अब मैं और साइड पे आ गया हूँ, बिल्कुल ये दरवाज़े के करीब आ गया हूँ। तो मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि ये देखें नाज़रीन, यहाँ से इधर से आवाम आ रही है और दरबार के अंदर की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा आवाम है। और आज तो रश बहुत कम है इधर पर, बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत आवाम आती है इधर पूरे मुल्तान शहर में। बहुत बड़ी बड़ी यही दो दरबारें हैं, तो जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ वीडियो में, जैसे मैं खुद विज़िट कर रहा हूँ ऐसे ही मैं आप लोगों को भी ऐसे ही वैसे ही विज़िट करवा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी माशाल्लाह दरबार है, माशाल्लाह इधर आवाम भी बहुत ज़्यादा आती है घूमने फिरने के लिए, क्योंकि इधर दो दरबारें एक साथ है और इर्द गिर्द पार्क है, वो भी बहुत खूबसूरत है। वो भी मैं आप लोगों को आगे बाहर की तरफ जाऊंगा तो पार्क भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मुल्तान की बहुत सबसे ऊपर वाली जगह यही है मुल्तान शहर की सिटी की। तो किला भी है इधर, उधर भी बहुत बड़ी पार्क बनी हुई है किले के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर विज़िट करने के लिए बहुत अच्छा माहौल है इधर का, तो इधर बहुत ज़्यादा लोग विज़िट के लिए आते भी हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।